प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, यहां पर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री, और हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर आपका सेकंड सेमेस्टर का मैच चल रहा है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझिए, कई दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी। हालांकि मैंने थर्मल फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ था इससे पहले वाली वीडियो में ओल्ड प्लेलिस्ट का, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा सर नहीं कराइए, न्यू कराइए, थर्मल फिजिक्स में अभी हमारे एग्जाम नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाला हूँ, जूल थॉमसन इफेक्ट। इस टॉपिक के बारे में आप भली बात ही जानते हो कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, पोरस प्लग होता है जिसे सरंध्र ड्रॉट बोलते हैं हिंदी में। पोरस प्लग कैसा होता है, मान लो एक सिल्क का कपड़ा ले लिया, सिल्क के कपड़े में पनीर बनाते देखा है, सिल्क के कपड़े में आप पनीर भीजते हो तो उसमें से पानी सा निकलता है। तो कोई सिल्क का कपड़ा ले लो या रुई ले लो, कॉटन वूल का बना हो, या मान लो कोई इसमें छोटे 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 छेद हैं। तो इसमें बताया जब आप इधर से कोई गैस पास कराते हो तो यहाँ जो गैस निकलेगी उसका टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से डिफरेंट होगा, या तो ठंडी होगी यानी कि थोड़ा सा डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, या तो कूलिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट। यही हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ गैस इनिशियली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जब कोई गैस इनिशियली का मतलब शुरुआत में एक नियत दाब पर है, इज अलाउड टू सफर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब फैलना, सफर मतलब सहन करना, कि उसे फैलने के लिए हमने क्या गया, दबाया गया उसे। फैलने के लिए कैसे दबाया गया, अभी दो मिनट जब फिगर बनाऊंगा तब आप समझ जाएंगे। थ्रू द पोरस प्लग, किसी पोरस प्लग में से, मेड अप ऑफ सिल्क और कॉटन वूल, जो सिल्क या कॉटन वूल से बना हुआ है, टू ए रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट लोअर प्रेशर, अपने से लोअर प्रेशर पे भेजा, ठीक, एडियाबेटिकली यानी कि हीट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, देन चेंज ऑफ टेम्परेचर आइदर हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट फॉर द गैस अकर्स, यानी कि जब गैस पोरस प्लग से गुजरती है तो उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है जिसे हीटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट बोला जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जेटी, जेटी का मतलब जूल थॉमसन। आप पूरा लिखना, आप जेटी लिखने मत बैठ जाना, आपको पूरा लिखना है। दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल केल्विन इफेक्ट, कभी जूल केल्विन इफेक्ट आ जाए और आप इसे छोड़कर आ जाओ, ये जूल केल्विन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑल गैसेज एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, किसके अलावा, हाइड्रोजन हीलियम और न्यून, सोल्स कूलिंग इफेक्ट, यानी कि 99% गैसेज जो होती हैं इन्हें छोड़ के भी क्या दिखाती है, कूलिंग इफेक्ट, और हाइड्रोजन हीलियम और न्यून क्या दिखाती है, ये हीटिंग इफेक्ट दिखाती है, याद रखना एमसीक्यू वालों, हाइड्रोजन हीलियम और न्यून क्या दिखाती हैं, हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑन पासिंग थ्रू द पोरस प्लग, पोरस प्लग से पास करने पर, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं इसकी फिगर बना के एक बार इधर समझा देता हूं, जिसे हम बोलते हैं रिजल्ट कह लो या वर्क डन कह लो, एक्सप्लेनेशन बोल दो या डेरिवेशन बोल दो, जो आपका मन करे वो बोल दो। ये मान लो ये कोई आपका कंटेनर टाइप है, पाइपलाइन टाइप है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बीच में क्या लगा हुआ है, सरंध्र है। सरंध्र क्या होता है सर, ये है आपका पोरस प्लग, बीच में पोरस प्लग लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर पिस्टन लगे हुए हैं फ्रिक्शन लेस, पिस्टन आप जानते हो क्या होते हैं, भली बात ही, इसमें मैं कोई टाइम वेस्ट खोटी नहीं करूंगा, पिस्टन के बारे में आप भली बात ही जानते हैं, यहां भी फ्रिक्शन लेस पिस्टन, अबे जो सरकते हैं, समझ गए, ओके सर, ठीक। इसके बीच में गैस भरी हुई है, दिख तो रहा है, इसके बीच में क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, ठीक। P1 प्रेशर पे मैंने इसे इधर चलाया, P1 प्रेशर से ऐसे दबाया पिस्टन को,
तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी इस हिस्से में और इसमें घुसेगी। जब इसमें घुसेगी तो गैस इस पिस्टन पर P2 प्रेशर अप्लाई करेगी, ये पिस्टन उधर चलेगा। अरे यार समझ रहे हो, जब मैं इधर से पानी दबा रहा हूँ, पानी ने मंद के चलो, तो क्या वो इसमें घुस के इसे न सरकाएगा परे को, तो गैस इसमें घुसनी चालू होगी। मान लो किसी टाइम पर इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है, तो एक नॉर्मल सी चीज है। तो यहां पर अगर मैं पूछूं पहले वाले चैम्बर में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, यहां पर दो जगह वर्क डन हो रहा है, एक तो वर्क डन बाय गैस, एक वर्क डन ऑन गैस। सर हम नहीं समझे, ऑन दा लिख लेना चाहे। अरे देखो यार, एक तो आपने गैस को दबाया, ये यहां दबाया, तो यहां तो हमने गैस पे वर्क करा, अरे यहां से हमने गैस को दबाया और यहां गैस इस पिस्टन को दबा रही है। अरे जब गैस पिस्टन को दबा रही है बाय द गैस, तो ये एक्सपेंड करेगा, तो प्रेशर कितना है P2, वॉल्यूम कितना हो गया V2, चेंज V2 हो गया। अब यहां ऑन द गैस, गैस में यहां हम ये गैस ये दबा रहे, यहां कितना है P1 V1, समझे दोनों में अंतर। यहां पर क्या था, गैस पिस्टन पे अप्लाई हो रही थी और यहां पर पिस्टन गैस पे अप्लाई हो रहा था, समझ गए। लेकिन यहां पे वर्क डन एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड पॉजिटिव और कंप्रेस नेगेटिव। हम नहीं समझे, नहीं समझे तो आपको इतनी सी बात याद होगी कि जब गैस वर्क करती है तो पॉजिटिव लिया जाता है और जब गैस पर वर्क किया जाता है तो वो नेगेटिव लिया जाता है। तो ये हो गया। अगर मैं यहां पे वर्क डन की बात करूं, हैंस वर्क कितना हो गया, दोनों को प्लस कर दो, P2 V2 प्लस, यही तो हो गया ओवरऑल वर्क, कितना P2 V2 माइनस P1 V1, इसे W मान लूं या W1 मान लूं, क्योंकि अभी हम वांडरवाल इक्वेशन से भी वर्क निकालेंगे। एक हमारी ये क्या होगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब क्या बाय द वांडरवाल गैस इक्वेशन, या वी नो द वांडरवाल, क्यों लिख रहा हूं मैं ये वांडरवाल गैस इक्वेशन, क्या होती है वांडरवाल की गैस इक्वेशन, ये तो है P+A/V² V-B=RT, यही तो है। अब इससे आप एक चीज समझना, बड़ी छोटी सी, आपको 11th क्लास में पहुंचना पड़ेगा, जहां पर एक चैप्टर होता था विमा, क्या बोलते थे विमा, इंग्लिश की बात करूं इंग्लिश में उसे बोलते थे डायमेंशंस, क्या बोलते थे डायमेंशंस। तो मैं आपसे एक चीज बात करूं, अगर मैं 7 मीटर में 4 किलोग्राम जोड़ू तो कितना रिजल्ट आएगा बताओ। आप कहोगे सर जुड़ेगा ही नहीं, क्यों नहीं जुड़ेगा, अरे मीटर में मीटर जुड़ता है, मीटर में मीटर जुड़ता है और किलोग्राम में किलोग्राम। ऐसे ही मैं तुमसे यहां बात करूं, मैंने ये लिख दिया गति की द्वितीय समीकरण, तो मैं तुम्हें बताऊं ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो ये दोनों सेम ही होंगे। सर सेम कैसे होंगे, अरे देखो यू क्या है वेग मीटर पर सेकंड, और समय क्या है सेकंड, सेकंड से सेकंड कटा क्या बचा मीटर, यहां देखो 1/2 का तो कोई मात्रक नहीं छोड़ दिया, त्वरण AT² त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू समय का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर ना बचा। अरे जो भी दो चीजें जुड़ती हैं वे सदा एक सी होंगी, उधर नहीं चमक रहा। तो मैं इधर का हिस्सा रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये मैंने इधर का हिस्सा क्या किया रफ, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, यहां से ये पोर्शन बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि कुछ बच्चे बुक में देख के इसे कंफ्यूज हो चुके। मैंने कहा 7 मीटर + 4 kg करो, आप कहोगे होगा ही नहीं, मीटर में मीटर प्लस होगा, ठीक। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था, ये देखो ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये एक ही होंगे, एक कैसे u कितना मीटर पर सेकंड, अरे चाल बराबर दूरी बटे समय और ये समय का मात्रक सेकंड, प्लस 1/2 का तो कोई मात्रक नहीं, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू समय सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर सेकंड से सेकंड सेकंड से सेकंड,
मीटर प्लस मीटर है ही दोनों मीटर। अरे जो चीज प्लस होती है वो एक जैसी ही होती है, जैसे यहाँ पर ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो यो भी दाब होगा, यो भी दाबी होगा, ये आयतन है तो ये भी आयतन ही होगा। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी होगा इनकी विमा निकालनी। नाउ अगर मैं इस फॉर्म में वर्क डन निकालता हूं, वर्क डन W2 दिख रहा है, यहां लिख देता हूं W2 कितना होगा इंटीग्रल फॉर्म में, P1 नी V1 से V2 कितना P delta V, यही तो होता है बच्चा वर्क डन। बताओ कोई समस्या। अब मैं P की वैल्यू रख दूं, सर P की वैल्यू कहां से आई, यहां से ही आई, कहां से, यहां से A/V² dV। अरे यार ये भी दाब दोनों बराबर ना होंगे, ये भी तो दाब है। मैंने अभी क्या बताया, जो प्लस होते हैं वे एक से होते हैं, जो माइनस होते हैं वे भी एक से होते हैं, तो भैया ये एक जैसे थे तो ये दाब था, ये भी दाब था, तो मैंने यहां पी की वैल्यू रख दी। अब इंटीग्रल करना आपको आता है, ए तो कॉन्स्टेंट था बाहर, वी की पावर -2 dV V1 V2। अब कराओ इसे, कराओ ये बेटा वेलोसिटी है, ये दाब है, वो आयतन है, कराओ इसका क्या, x^(n+1)/(n+1) कहां से कहां तक, V1 से लेके V2 तक, और जब लिमिट लेते हैं तो प्लस ही नहीं करते, यानी कि प्लस का कांस्टेंट नहीं करते, तो a/(-1) यहां क्या बचा, v^-1 V1 से लेके V2 तक, तो क्या माइनस ए लिख लूं इसे, क्या इसे 1/V लिख लूं, V1 से लेके V2 तक, ठीक। अभी यहां इधर कर देता हूं फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो अब आगे का पोर्शन क्या होता है, ये तो मुझे रफ करना है, इधर का तो स्क्रीनशॉट आप लोग भले भांति ले चुके होंगे, मुझे इस इक्वेशन नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसे अभी छोड़ देता हूं, ठीक। चांद मेरे चांद चांदनियों, तो यहां से W2 कितना हो गया मेरे रसगुल्लो रसमलाई, यहां क्या -a अपर लिमिट -लोअर लिमिट 1/V2 -1/V1 W2 is equals to -a/V2 और -+। अरे मैंने a को अंदर पहुंचा दिया तो वर्क डन कितना हुआ, a/V1 -a/V2। मैंने प्लस वाली पहले लिख दी और माइनस वाली बाद में, इक्वेशन नंबर 2। हैंस टोटल वर्क डन विल बी पूर्ण कार्य कितना होगा, अरे W=W1+W2, सबको क्या कर दो प्लस कर दीजिए। अब मैं इसे रफ कर दूंगा, वैल्यू रख दू W1 की वैल्यू P2V2 -P1V1 रखी गई इसकी वैल्यू, तो मैंने माइनस कर दिया। अब ये प्लस a/V1 -a/V2 रखी गई, अरे वॉल्यूम ही है, सॉरी मैंने वेलोसिटी तो नहीं बताया, वॉल्यूम ही तो बताया था, हाँ चलो यहाँ ये क्या हो गया आपका, टोटल वर्क डन हो गया। अब मेरा ब्लू मार्कर कहाँ हो तुम, ये क्या है चांद मेरे, दिस इज इक्वेशन सेकंड। देखो फिजिक्स सेकंड नहीं थर्ड, फिजिक्स टफ नहीं होती, बस इसमें प्रोसीजर याद रखना होता है कि किसके बाद क्या अप्लाई करना है बस, और इसमें कुछ भी टफ नहीं होता। यहां तक हमने किया, अब वी हैव या वी नो, हम रखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV=RT, तो P/RT=1/V, यही तो होता है बताओ, सॉरी 1/V = P/RT, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहां से आप 1/V1 और 1/V2 की वैल्यू निकाल कर रख दो, दिख रहा है, इसलिए 1/V1 = P1/RT, 1 चाहो ले लो, हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि टेम्परेचर में तो हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे,
कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आपकी बुक में आप कंफ्यूज हो गए, क्या बुक में पहले ये चेंज कर रखे हैं, मैं पहले ये चेंज करा रहा हूँ या बुक की तरह से ही कराऊं, ये तब भी करना पड़ेगा। देख लो बुक की तरीके से देख लो, हेलो ये तब भी करना है, बाद में करना है, बस पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी इक्वल टू आर टी, इनकी मल्टीप्लाई करो, p की v में करी p की b में करी माइनस पी वी, यही तो हुआ। अब इसकी करी प्लस ए वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। देखो यहां तो एक पावर कट गई, अब v भैया बड़ी वैल्यू है, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, और अपोन में है और माइनस में है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू बन जाएगी। फटाफट स्क्रीन शॉट लो, देखो स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। सिंस ए बी अपोन वी स्क्वायर इज वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसलिए हम इसे छोड़ सकते हैं। इसलिए हमारे पास इक्वेशन क्या बची, पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी। आप कहोगे वी स्क्वायर इसके भी तो अपॉन में, अरे एक वी यहां कट चुका है, इसलिए क्या बचा है प्लस ए अपॉन वी, ये तो छूट गया, नेग्लेक्ट कर दिया, इज इक्वल टू आर टी। तो यहां से पी वी की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का, ये प्लस का है, ये माइनस का, आर टी एज इट इज। ठीक, ये देखो पी वी की वैल्यू निकाल ली। हैंस अब यहां पे मैं पी वन वी वन निकालना चाहूं तो क्या होगा, पी वन बी माइनस ए अपॉन वी वन प्लस आर टी। अरे टी तो चेंज ही नहीं करे, पी की जगह पी वन, वी की जगह वी वन, बस यही तो किया। एंड पी टू वी टू कितना, पी टू बी माइनस ए वी टू प्लस आर टी। अब ये वैल्यू किसमें पुट कर दो, थर्ड में। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज, इधर का रफ कर देता हूं भैया, गर्मी बहुत ज्यादा है। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, ये वैल्यू समीकरण तीन में रखने पर W इक्वल टू कितना, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, W इक्वल टू पी टू वी टू, अरे पी टू वी टू ये रहा कितना, पी टू बी माइनस ए अपॉन वी टू प्लस आर टी माइनस पी वन वी वन। अरे जब माइनस करूंगा तो अंदर के सारे सिंबल चेंज, ये पी वन भी प्लस में था, ये माइनस में, ये माइनस में था, ये प्लस में, और जो प्लस में था ये माइनस में, रख दी दोनों की वैल्यू। अब ये दोनों इससे एज इट इज, प्लस ए अपॉन वी वन माइनस ए अपॉन वी टू, आर टी ने आर टी का कत्ल कर दिया। ये डब्लू कितना बचा, पी टू, इन दोनों में से बी कॉमन ना ले लूं, क्या बचेगा, पी टू माइनस पी वन, पी टू माइनस पी वन इंटू बी, इन दोनों में से आ रहा है क्या, प्लस ए अपॉन वी वन माइनस ए अपॉन वी टू, यही तो बचा। अरे ये तो ये भी कट गए, कट रहे हैं चांद सितारों या नहीं कट रहे, ये तो कट रहे हैं, कैंसिल आउट, नहीं कट रहे, ट्वाइस हो रहे हैं। अब ए अपॉन वी वन प्लस प्लस कितना, टू ए अपॉन वी वन, ए अपॉन वी टू, ए अपॉन वी टू माइनस का टू ए अपॉन वी टू, ये क्या हो गई, ब्लू पेन सर, हाँ मरवा हो गई क्या हमें, बच्चों को बिचारों को सलीसों को, मैंने कहा क्या इतना खतरनाक डेरिवेशन, देखो बच्चा खतरनाक तो इसमें कुछ था ही नहीं, बस क्या था, थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था। स्क्रीन शॉट लीजिए फटाफट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो प्रोसीजर मैं यहां पर बता रहा था उसे अब अप्लाई करने का समय आ चुका है। कैसे, वी नो, हम जानते हैं क्या, p
पीवी इज इक्वल टू आर टी, तो यहां से पी अपॉन आर टी इज इक्वल टू वन अपॉन वी। अरे ये यहां और ये यहां, कोई समस्या है? इसलिए वन अपॉन वी वन की बात करूं तो पी वन अपॉन आर टी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू पी टू अपॉन आर टी। टेम्परेचर में तो हम चेंज कर ही नहीं रहे, अब क्या कर रहा हूं, ये वैल्यू इक्वेशन वन अपॉन वी वन और वन अपॉन वी टू की चार में चिपका रहा हूं। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, दिस नहीं दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फोर, फोर में चिपका दो तो वर्क डन कितना P2 माइनस P1 इंटू बी आ जाएगा, यहां पर नहीं आएगा मुन्ने राजा, इधर का रफ करना पड़ेगा, ये मैंने रफ किया, अब फोर में रखा ये W इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू बी प्लस 2A, 2A दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन v2, तो 1 अपॉन v1 की वैल्यू क्या है p1 अपॉन rt माइनस p2 अपॉन rt, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब तो नीचे का रफ कर दो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट तो आप मेरे कहने से पहले ही ले लेते होंगे क्योंकि आप खिलाड़ी ही इतने बड़े हो। अब यहां पे देखो क्या हो गया, W equals to P2 minus P1 plus 2A upon RT भी common, P1 minus P2 ये तो बचा। अब यहाँ पे देखो हमने लिखा था डेफिनेशन में लोअर प्रेशर पर पहुंचाई जाती है, तो भैया ये हाई होगा ये लो होगा, तो P2 minus P1 की जगह P1 minus P2 में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कैसे देखो, अगर मैं इसे माइनस से कर दूं, इसे लिख दो P1 माइनस P2 इंटू बी, ये तो होगा, समझ गए हो, समझे नहीं समझे, या मैं इसे P2 माइनस P1 लिख लूं तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां पे ये माइनस ना आ गया, प्लस 2A अपॉन आर टी P1 माइनस P2, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो P2 माइनस P1 की जगह P1 माइनस P2 बच गया, अब पूरे में से P1 माइनस P2 कॉमन, P1 माइनस P2 कॉमन, तो क्या बचा अंदर, अंदर बचा एक तो B बचा माइनस का और प्लस 2A अपॉन RT, या मैं इसे सिस्टम से लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा। लो जी यहां पर आपका डेरिवेशन खत्म, जय श्री राम की। ठीक, अब यहां पर कुछ केस निकल के आते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि ये कूलिंग इफेक्ट दिखाएगी गैस या हीटिंग इफेक्ट, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हियर सम केसेस अराइजेस, हियर सम केसेस अराइजेस, यहां पर कुछ केस निकल के आते हैं। केस फर्स्ट क्या है, इफ 2A RT minus B is positive, भैया पॉजिटिव कौन लोग होते हैं, हैं जो कूल रहे, संद ठंडे रहे एकदम दिमाग से, हैं मतलब जिन्हें किसी चीज पे गुस्सा नहीं आता है, ये होता है, तो यहां पर ये क्या दिखाएगी, कूलिंग इफेक्ट, देन इट विल शो कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। ठीक, केस सेकंड, केस सेकंड लिख लेना क्या, इफ 2A RT माइनस बी इज नेगेटिव, एनी जी ए टी आई बी, देन इट विल शो हीटिंग इफेक्ट, क्या दिखाएगी, हीटिंग इफेक्ट। सर हां, अगर ये ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, ये जीरो हो, तो वो क्या सीन होगा, कुछ नहीं होगा, देखो अब आप 2a अपॉन rt इज इक्वल टू b हो गया, ये t उधर b इधर, तो 2a अपॉन rb इज इक्वल टू t, तो ये टेम्परेचर ना तो कूलिंग इफेक्ट दिखा रहा ना हीटिंग इफेक्ट दिखा रहा, ये क्या कहलाता है, टेम्परेचर दिख रहा है ऑफ इन्वर्जन,
याद रखना एमसीक्यू वालों, इसे ऐसे लिखा जाता है टी आई इक्वल टू टू ए अपॉन आर बी। लो जी ये यहां पर आपका जूल थॉमसन इफेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर कल जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ आपकी थर्मल फिजिक्स का एक टॉपिक है क्या, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज। कल मैं आपके सामने उस टॉपिक को कवर कराऊंगा। और जैसे ही वो टॉपिक खत्म होगा, नहीं देखो ये आपकी नहीं, अभी आगे सुनो पहले नहीं के वह, ये देखो ये आपकी यूनिट फर्स्ट है, ये यूनिट सेकंड, यूनिट क्लोसियस क्लैपेरॉन करा चुका, दूल थॉमसन इफेक्ट आज हो चुका है, यानी कि कुल मिलाकर मेरी दो यूनिट कंप्लीट। सर थर्ड, थर्ड का बेटा गैस लॉज करा रखे हैं, तो कल मैं मैक्सवेल्स लॉ कराऊंगा। सर गैस लॉज कहाँ करा रखे हैं बेटा, देखो पीछे किलो में मैंने कराए हुए हैं, ठीक नहीं कराए करा दूंगा, कोई घबराऊंगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।